45 किलो का लाऊंगा। लेना है जो ना है उनका वो है क्या है तो वो 32 किलो 380 ग्राम है सर। 9 यूनिट है इसमें। मुरादाबाद जिला आपूर्ति विभाग की लापरवाही और मिलीभगत का खामियाजा आम व्यक्ति को उठाना पड़ रहा है। ताजा मामला कुंदरकी क्षेत्र के ग्राम जेतवाड़ा से उस समय सामने आया जब स्थानीय सस्ते गल्ले की दुकान पर गेहूं चावल न मिलने से कार्ड धारकों ने हंगामा शुरू कर दिया और राशन डीलर पर घटतौली का आरोप लगा डाले। दरअसल जेतवाड़ा के कई दर्जन राशन कार्ड धारक पिछले लंबे समय से गेहूं चावल न मिलने से परेशानी झेलते आ रहे थे। इन कार्ड धारकों का आरोप था कि जिला पूर्ति विभाग की मिली भगत से सरकार को चूना लगाया जा रहा है। सरकार से मिलने वाले मुफ्त गेहूं चावल ब्लैक में कहीं बेचा जा रहा है और कार्ड धारकों ने बताया कि सस्ते गल्ले की दुकान प्रियंका के नाम से अलॉट की गई थी, लेकिन अब विभाग की मिली भगत के चलते प्रियंका के परिजन अपने घर से ही घटतौली करते हुए गेहूं वितरित कर रहे हैं। नो भूरी भूरी कहाँ की रहने वाली है? कहीं कौन सा गाँव है? जेतवाड़ा। जेतवाड़ा क्या मामला हो रहा है? क्यों परेशानी? बहुत परेशानी परेशानी सर। अच्छा, कितना राशन मिला है? हमें तो ये तय मिला है 30 किलो। कितने यूनिट है आपके? 4 किलो। अच्छा, 4 किलो एक ही बढ़ते दे रहा है तो कब से दे रहा है? कब से का? हमारा तो हुआ बैठा था तो भी है बैठा है तो भी हमें तो ये तय मिला है कसम से खाए उसके साथ में भी कुछ देते हैं इसके अलावा? हाँ, साथ में जो मिल रहा है वो एक थैली चनों की और वही एक रफेन की और एक उसकी नमक की। राशन यानी पूरा नहीं मिल पा ना? पूरा मिला ही ना भैया, हमें तो ना हो मिला ना है मिला, वो भी हमें डांट कर भेजा देता होता 30 किलो दे देता। राशन डीलर का क्या नाम? इनको क्या नाम? आपने कहा नहीं है पूरा तो क्या कर रहे? मना कर रहे? क्या कहा? क्या लो लो ना इसे मत लो और ना आओगे तो कोई बात ना। गई है ना तो इसे भी ना देती, मत आओ तुम लेना बताओ लेना। सदर हाजी के भी 30 किलो दे देता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई कौन सा गांव है? ये गांव जेतवाड़ा। जेतवाड़ा थाना कौन सा लगता है? थाना कुंदरकी। थाना कुंदरकी क्या मामला हुआ है? कितना मिला है यूनिट आपके? कितने हैं? कितना? हमारे 6 यूनिट हैं। जी जी। कितना मिला है राशन? 24 किलो। क्या कहा आपने डीलर से? क्या नाम है डीलर का? नाम पता नहीं मुझे, ध्यान रहा। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैंने ये कही थी भाई साहब हमारा गल्ला जो है तुम 5 के हिसाब से दो। हाँ, ये बोले भाई साहब 5 के हिसाब में देंगे। भाई साहब आपको 24 किलो मिलेगा 6 नाम पे। अच्छा अच्छा, तू ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे थे बोले ऐसा भाई हम और भरने कहते भरे। और इसके साथ में कुछ और भी देते हैं जैसे? हाँ, हमें दिया था रिफाइंड की थैली दी थी, एक चने की थैली दी थी और एक नमक थैली दी थी। अच्छा अच्छा, तो राशन पूरा नहीं मिल पा रहा है ना? काफ़ी टाइम हो गया हमें ये बात। लगभग कितना समय हो गया होगा? लगभग हमें हो गया भाई साहब कई सालों का। भाई साहब इसमें हमें 5 ना मिला है। अच्छा, हमें 4। जी मेरा नाम रंजीत है। किस नाम से? प्रियंका नाम से। यहाँ लोगों का आरोप है जो कार्ड धारक है उनका ये कहना है कि आप राशन उन्हें यूनिट के हिसाब से कम दे रहे हैं, क्या पूरा? भाई साहब लोगों को आरोप नहीं है, ये इनका आरोप है। इनका जो गल्ला है पिछली बार ही अंगूठा लगा के आए गए नहीं और हमसे कह रहे हैं कि हमें पिछला भी गल्ला चाहिए, नहीं तो हम मीडिया को बुला लाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। बस ये आप हमारा विरोध कर रहे हैं इसलिए बेला फुसला कर हम ऐसा बिना अंगूठा लगे बिना पास मशीन में अंगूठा लगे गल्ला नहीं देंगे। अच्छा जी। और अभी जो इन लोगों ने दिखाया था ये तोल कम निकली है क्या? बस अब ये अलग अलग कट्टे हैं, गेहूँ के अलग हैं, चावल के अलग हैं, ये है मामला। आप कौन हैं? जी आप कौन हैं? इनका ये स्टोर है? जी मैं उनका भाई हूँ। अच्छा, वो कहाँ पर? वो घर पे हैं, वो आ रहे हैं। ये बताइए कोरोना का प्रोटोकॉल का यहाँ पालन भी नहीं हो रहा, ना मास्क है ना सैनिटाइजर, ऐसा क्यों अंगूठे भी लग रहे हैं? इसका पालन जो है पब्लिक काफी गल्ले इस बार जो है लेट हो गया आने में। जो आप जो फिंगर ले रहे हैं इन लोगों के, ना तो हाथ सैनिटाइजर करा रहे हैं ना मास्क है, ऐसे आपने स्वयं को रहे हो। गल्ला जो है इस बार लेट आया महीने में, इसलिए पब्लिक के दिल में ये उत्साह है कि पता नहीं हमें गल्ला मिलेगा नहीं मिलेगा, मशीन बंद नहीं हो जावे। पब्लिक को समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये ना तो यहाँ सैनिटाइजर रखा गया ना ही मास्क है और आप फिंगर लगा रहे हैं, अगर कोई संक्रमण फैल सकता है तो कौन जिम्मेदार होगा? और बोर्ड भी नहीं है। बोर्ड सर अभी हमारी नई चौहत्ती हुई है, बोर्ड भी हुई है। अच्छा, अभी कौन थे जो फोन पर बात कर रहे थे हमसे, धमका रहे थे, कौन लोग थे? भाई साहब कोई नहीं, कौन आपको कौन धमका देगा? डीआईओ को बात।